हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। और नए साल की सभी को शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य की सीमा से लगती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। ए इज द करेक्ट आंसर। कितनी लगती है? तो 89 किलोमीटर। नेक्स्ट है, राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा D 5। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा की लंबाई है? तो इसका राइट आंसर वो हो जाएगा 1070। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंबल बेसिन। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु शिखर। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर? तो इसका राइट आंसर वो हो जाएगा जैसलमेर। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, राजस्थान दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर वो हो जाएगा 30 मार्च। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र किस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है? वह है, तो इसका राइट आंसर वो हो जाएगा जैसलमेर। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतरराज्य सीमा है वह है? तो पंजाब। 89। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, राजस्थान का आकार किस प्रकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर, विषमकोणीय। नेक्स्ट है, राजस्थान के कितने जिलों की सीमा पाकिस्तान की सीमा से स्पर्श करती है? तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा 4। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला राजस्थान का जिला है? तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा बीकानेर। डी इज द करेक्ट आंसर। कितनी है? तो 168। नेक्स्ट है, राजस्थान का सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा जैसलमेर। बी इज द करेक्ट आंसर। कितनी लगती है? तो 464 किलोमीटर। नेक्स्ट है, राजस्थान का पूरा क्षेत्रफल भारत का लगभग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11%। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन सा जिला नया है? तो इसका राइट आंसर वो हो जाएगा प्रतापगढ़। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, राजस्थान का सीमावर्ती राज्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 है, ये सारे हैं। उत्तर प्रदेश भी है, हरियाणा भी है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, पंजाब है, ये सभी। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धौलपुर। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? चिंटू क्वेश्चन है ये सभी को पता होगा। तो इसका राइट आंसर वो हो जाएगा 33। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में राजस्थान में कुल कितने संभाग हैं? तो इसका राइट आंसर वो हो जाएगा 7। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, राजस्थान की सबसे अधिक सीमा किस पड़ोसी राज्य से लगती है? तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। 1600 किलोमीटर लगती है। नेक्स्ट है, राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई? तो इसका राइट आंसर वो हो जाएगा 5920। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, राजस्थान में सांबरकोटड़ा क्षेत्र निम्न में से किस खनिज से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर वो हो जाएगा रॉक फॉस्फेट। ए इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट है, राजस्थान में विस्तृत रूप से प्राप्य अज्वलित इंजन खनिज है, तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा अब्रक। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस क्षेत्र में तांबे की खान है, तो इसका राइट आंसर वो हो जाएगा मकराना। सी इज द करेक्ट आंसर।